हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी धीरे धीरे मेरा तबीयत ठीक हो रहा है, गले की वॉइस भी ठीक हो रहा है। कल रात को ना हमारे एक फ्रेंड के साथ हम हॉस्पिटल गए थे, तो थोड़ा सा रात करके लौटे। आज सुबह देख रही थी मैसेज के हमारा इधर पे एक बंगाली ग्रुप है, उधर पे मीटअप करने का। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी करो, 9 बजे जाना है। तो मैंने ब्रेकफास्ट चलाया है, फिर डैडी मैन बोले तुम कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं देखते हो, 9 PM लिखा है। लो एक्चुअली इतनी रात को तो मीटअप नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि सुबह होगा, तो 9 देख के मैं फड़फड़ करके जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही थी। ठीक है, हो गया है ना, काम ख़त्म हुआ, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। फर्स्ट बनाते बनाते एक प्रॉब्लम हो गया, 2 ही पैकेट मैगी था, तो अभी इसके अंदर क्या मिला, मैं थोड़ा सा पोहा मिला रही हूँ। जनरली ना मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर पर मैगी ये सब चीज़ें कम रखूँ, ताकि मतलब कम खाए, रखने से ही हो जाता है ना ऐसे, मतलब फटफट से कुछ बनाना है तो मैगी बनाते हैं, तो इसीलिए 2 ही पैकेट था, मतलब बड़ा सा पैकेट में 2 पीस था, तो मैं लिया ही नहीं। और अभी जो है ना मुश्किल में आ गई, इमरजेंसी में मैगी बनाते हैं। ठीक है, अभी पोहा मिक्स कर दिया है, पता नहीं चलेगा किसी को आइसक्रीम। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मौनुषी तक क्या में क्या मिला देती है, मैगी में पोहा मिला दिया, क्या करूँ। घर पर और कुछ है नहीं कि नूडल्स काइंड ऑफ कि वो मिलाओ, इसीलिए पोहा जो है ना जल्दी जल्दी मिल भी जाता है, तो इसीलिए वो मिला थी। कुछ नहीं होगा, खा लेंगे। ब्लॉक हो के जैसा बिजी और कोई नहीं है। बस ब्लॉक को हाय बोल, भी हाय, भी हैंडशेक करो, तो हैंडशेक। पूरे सर्वनाश की बोलते सुनचो कि खाबी। ब्लॉक को इटालियन है, इटाली से आई है, लगा उसको पैर में। ब्लॉक को की खाबी और की खाबी। ब्लॉको की खाबी, हाँ ब्लॉको क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, ब्लॉको ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, हाँ ब्लॉको को हिंदी समझ में नहीं आता। ब्लॉको की खाबी ब्रेकफास्ट में, हाँ मिष्टी बोल रही है, उसके पहले बोला पास्ता पास्ता, हाँ पूरा बाल अलांचे की खाबी, चिचन किचन था भी। पैकेट ही मैगी था, तो इसके लिए इसके अंदर कुछ पाइल किया है, क्या किया है बताओ, क्या किया? तुम सुन के बहुत गुस्सा करोगी, पहले खा लो उसके बाद बताऊंगी। नहीं आलू तो दिख रहा है, वेजिटेबल्स वगैरह जैसे बनाती वैसे ही बनाया, पैकेट खोल के देखा कि 2 पीस ही है। क्या डाले? पोहा बुजुर्ग है, ठीक से खा रहा है। ब्लॉको तो इटालियन है, उसको ये सब बहुत पसंद। तुम पहले बोल दीजिए, उसलिए पता चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा। अनिल मान बहुत अच्छे मैगी बनाते हैं, देखो कैसे खा रहे। ভালো মা, ভালো ভালো হয়েছে। গ্লকুকে বাল দেখো কাফি আ গিয়া হে, ব্ল্যাক হয়ে গিয়া পুরো। এই গ্লকু যখন হয়েছিল তখন এরকমই চুল ছিল, নাকটু বেশি ছিল। नए घर में आके ना हमारे पास बहुत सारा ग्लास विंडो पार्टीशन और मिरर है, तो इसीलिए हमने लिया है अगारो डिलाइट इलेक्ट्रिक ग्लास वैक्यूम क्लीनर। दिस इज़ द मेन यूनिट, ये 2200 mAh बैटरी कंजम्पशन के साथ आता है, ये रिचार्जेबल है, 25 मिनट्स कॉर्डलेसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। USB केबल भी मिलता है। ये है स्प्रे बॉटल, इसका कैपेसिटी है 360 ml। मेन यूनिट के अंदर सक्शन ब्लेड एंड वाटर टैंक अटैच रहता है। ये डर्टी वाटर टैंक है, इसका कैपेसिटी है 200 ml। दिस इज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ होल्डर, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, 2 पीस माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसके साथ आपको मिलता है। पहले ये स्प्रे बॉटल को मैं वाटर से फील कर रही हूँ, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा विम लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर देती हूँ, इससे ग्लास जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही स्प्रे कर सकते हैं, या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होल्डर को ऊपर अटैच करके भी स्प्रे एंड क्लीनिंग एक साथ कर सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से स्प्रे करना है, उसके बाद इस क्लॉथ से आपको ये थोड़ा सा वाइप कर देना है। कोई भी डिटर्जेंट ग्लास क्लीनिंग लिक्विड भी डाल सकते हैं,
नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, ये बहुत काम की चीज़ है। जनरली हम लोग जब ग्लास क्लीन करते हैं ना, दिक्कत ये होती है कि पानी का एक दाग रह जाता है, न्यूज़पेपर से अच्छा किसी में क्लीन नहीं होता है, पर इसमें ना अच्छे से पानी को वैक्यूम कर लेते हैं, इसीलिए ग्लास एकदम चमचमाता रहता है। से आप नॉर्मल सारे विंडोज़ डोर मिरर ग्लास डोर इवन टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में मेरे घर की ऑलमोस्ट सारे ग्लास मैंने क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डर्टी वाटर इसमें कलेक्ट हुआ है। अगाडो डिलाइट इलेक्ट्रिक ग्लास वैक्यूम क्लीनर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको अच्छा लगा है चेक करना। निर्बन अपना कपड़ा सॉर्ट कर रहा है और मेरा ऐसे 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 करके जिंकल बना के रख रहा है। देखो आप ऑन कैमरा प्रूफ अभी किया, अच्छा कैमरा ऑन किया है। इधर से लेके इधर रख रहा हूँ मैं खाली। कोई बात नहीं है, आपको ही प्रेस करना है, मुझे प्रेस देखो और मध्य इन हैंगार भेंगे खेते शुरू कर दिल मुखटा देखो आय ओते के नाओ तो हैंगार को भांगा टुकड़ो खाचे नी नाओ नी नाओ मुख के दाओ 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 मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। एक तो चिकन बनाना है, वहाँ निर्वन बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, ऊपर जाना है उनके घर में उनको देखने, और मेरा इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ हेयर कटिंग कराऊंगी, उसके बाद हम लोग खैरादाबाद का बरास और गणपति है ना वो भी देखने जाएंगे, पर क्या कब करूँगी पता नहीं, एकदम लेजीनेस ने पकड़ लिया है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से सो जाऊँ दो घंटे। चलो काम पर लगते हैं। घूरा 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 पीछे ना घूरा, हाँ ना हाई फाई अनिर्वाण जैसा बिजी कोई नहीं है, नहीं तो फोन नहीं तो कॉलिंग बेल। ए लुक ये की रखी थी की लुक ये बाबा तुम्हें छिल लगा लो এটা কে ছিড়েছে তোমাকে না বলেছি গাছের ডাল ছিড়বে না তোমাকে চিমটি কাটি কেমন লাগে লাগে তুম গাছেরও লাগে কেন ছিড়েছো এটা কেন ছিড়েছো আর ছিড়বে বলে দাও তো সবাইকে যে মা মেরেছে, বলো কেমন করে মেরেছে মা, খুব মেরেছে মাকে দেখাবো ভাই যে এই যে মা মেরেছে। কেন তুমি কপাল যদি ভালো না আমি কিছুতেই আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। হ্যাঁ খাইলা আবি না হম লোক খাকে আমি ফিল্ডিং কে যাएंगे মাল্টিপল প্ল্যানস হ্যাঁ एक एक करके बताएंगे। मैं सोच रही हूँ आज हेयर कटिंग नहीं करा पाऊंगी। होगा मतलब कितना टाइम लगता है हेयर कटिंग में? पता नहीं देर हो रहा है ऐसा पता नहीं। अच्छा तुम यही खाना खाओ ना सादा खाओ ये रे छ ए टीचर टीचर दे ओके ए तो तो टीचर मां टीचर अनिर्बान का प्लेट है, इसको पहले दे देती हूँ मैं क्योंकि ठंडा करना पड़ता है। मतलब रात को तो फॉर श्योर खाना खा के आएंगे मुझे ऐसा लगता है, तो ब्लॉग के लिए थोड़ा सा खजूर ले लिया है सीड निकाल के, ये एक बिस्किट ले लिया है, मतलब दूंगी नहीं पर बंगाली में एक बोलते हैं हाथेर पाँच, और ये मेनली यही दूंगी उसको,
ये दूध को ना थोड़ा सा उबाल के इसके अंदर तो पानी मिलाना पड़ता है, ग्लोकू तो पूरा दूध नहीं पीती है ना, पानी डाल के डायलेट करना पड़ता है। और इसके अंदर हल्दी और हनी डाल दूँगी और खजूर लेके जाऊँगी बस। हाँ तो बहुत आवाज़ आ रही है। तो एक चीज़ ना इतना अच्छा लग रहा है देख के सुन के कि अगर हम इंसान चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। अभी तक जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, मतलब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कितना हमारा सब कुछ बदलेगा, पर एक चीज़ तो श्योर है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना इसके अंदर एटलीस्ट 30-40% लोग जो ख़राब मेंटालिटी के भी है वो शायद थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। है इटा हमीय देखिए टाइट खूब। चलो 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 हम लोग निकलते हैं, मेरा बाल आज कट जाएगा और मैं ठीक ठाक हो जाऊँगी। भाई कितना गंदी दिख रही हूँ मैं, मैंने कुछ इयरिंग वेयरिंग नहीं पहना है, हाथ में है मेरा इयरिंग क्योंकि खोलना पड़ेगा ना, शैम्पू करते हैं वो लोग। हबीब जा रहे हैं उसके बाद गणपति दर्शन। चलो पहुँच गए हैं हबीब। हम लोग ना मियाँपुर वाले हबीब ही ज़्यादा आते हैं, इधर से मैं पहले भी बहुत बार हेयर कटिंग करा चुकी हूँ। ओके ओके अच्छा ही लगता है, पर गच्छी बोली के साइड में मैंने एक बार हेयर कटिंग करवाया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, और टोनियन गाई में भी। पर सरस सिटी ना मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, इतना रश रहता है ना, तो मैं और मम्मी दोनों ही हेयर कटिंग कराएंगे। मम्मी का हेयर तो बहुत ही ख़राब हो गया, एकदम लीक लीक के बोलता है ना बंगाली में वैसे। और मेरा हेयर जो है ना, मैं कटिंग क्यों करा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मेरा हेयर तो शॉर्ट ही है फिर भी मैं करा रही हूँ, और मम्मी को पहले दे दिया उसके बाद मैंने बोला कि मैं कराती हूँ। पर मम्मी को ना मैं देख ही नहीं पाई कि उनका हेयर कटिंग कैसा हुआ, नहीं तो मैं थोड़ा सा और सजेस्ट करती, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाने के लिए। और मेरा ना मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा हेयर कट होगा, मुझे हेयर कट कराना पसंद नहीं आता है क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर ज़्यादा पसंद आता है। उधर ग्लोको अनिर्बान के साथ धमाल मचा रही थी रिसेप्शन में तो हम लोग ना इधर पे नियर बाई से बुक करके आते हैं, तो इसीलिए कुछ 700-650 ऐसे में 700 होगा अप्रॉक्सीमेटली मेरा ईच पर्सन पड़ता है। नहीं तो आपको इधर पे हेयर कटिंग थोड़ा सा कॉस्टली ही होता है, कहीं पे भी आप जाओगे ना 1100-1200-1300 पड़ जाता है, पर इधर पे थोड़ा सा आई थिंक 900 या 1000 के आसपास होगा, अनिर्बान बुक करके देता है, तो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है। तो मेरा हेयर देखो शॉर्ट हो गया है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना मेरे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर निकला है पीछे की तरफ से, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 50% हेयर जो है ना वो फॉल हो गया था आफ्टर बेबी बर्थ 9 मंथ अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पर। तो ये भैया भी बोल रहे थे कि हाँ आपका तो बहुत हेयर फॉल हुआ होगा क्योंकि इतना ज़्यादा बेबी हेयर निकला है, तो अगर आप शॉर्ट नहीं कराओगे ना तो क्या होगा कि ये मिलेगा नहीं अपने ओरिजिनल हेयर से, तो इसीलिए मुझे शॉर्ट कराना पड़ा। अभी भी बोल रहे 6 मंथ लगेगा पर वो नॉर्मल हेयर से एडजस्ट हो जाएगा। और नीचे का हेयर जो है ना वो थोड़ा सा कर्व हो गया है क्योंकि अभी वो बेबी है, इसीलिए ठीक है ख़राब नहीं लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कब फिर से मेरा जो हेयर है ना वो पहले जैसा हो जाएगा, पर ठीक है खुश हूँ मैं। और इधर मम्मी का देखती हूँ मम्मी का कैसा हेयर कट किया है। अनिर्बान को बोल रही अच्छा लग रहा है, अनिर्बान तो हमेशा ही बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ग्लोकू को संभालते संभालते ना मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ। मम्मी का हेयर कट ओके था पर मुझे लगता है सामने की तरफ और थोड़ा सा छोटा कराने में और ज़्यादा अच्छा लगता, पर मम्मी बोलती नहीं नहीं ग्लोकू पकड़ लेती है क्लिप से नहीं अटकता है तो ऐसा ही सही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो और कुछ नहीं कराएंगे। मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि हेयर कटिंग के बाद मुझे लगता है सभी हम लोग ना ऐसे हीरोइन टाइप का फील करते हैं ना। बोलो ये देखो देख रहे हो आप कान के नीचे मेरा जो हेयर है कितना कर्ली कर्ली हो गया है, ये सारे पूरा एक बंच है वो पूरा ही बेबी हेयर है, तो इसी के लिए मुझे हेयर जो है ना वो शॉर्ट करानी पड़ी। पर पक्का प्रॉमिस है आपको और मैं खुद से भी प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि नेक्स्ट ईयर
मैं दुर्गा पूजा से पहले जैसे लंबे बाल थे मेरे सुंदर वैसा कर लूँगी। घने तो अभी हो गया है क्योंकि बेबी हेयर निकल गया है, हेयर जितना था उतना आ गया है, बस लंबा कराना है। और ग्लॉको को दे दिया है गैलेक्सी लवलैप कार सीट में। आप देखो कितना ज़्यादा ख़राब रास्ता है, फिर भी ग्लॉको बहुत सेफ़ है, एकदम हिल भी नहीं रही है। तो बच्चे को ना कार सीट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उसको नींद आ गया है, रास्ता ख़राब है, तो आराम से राइड भी इंजॉय करती है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो इस कार सीट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। इस जगह को जब भी मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ, और ऐसा ही कुछ निकलता है मेरे मुंह से, क्योंकि ये गली जो है ना, ये गली है हमारा पुराने घर का गली, जिधर पे हम लोग और नहीं जाते हैं, हम लोगों का एड्रेस चेंज हो चुका है। मानना बहुत मुश्किल होता है दिल से कि हमारा जगह चेंज हो गया है, पर रेंटेड हाउस में अगर आप रहते हो तो कभी ना कभी तो वो चेंजेज होगा ही ना आपके साथ। ये ओवरब्रिज बस क्रॉस करना है, उसके बाद और थोड़ा सा चल के हम लोग मीटअप करेंगे आपके फ्रेंड के साथ। अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहा है, 5:30 बजे सब लोग निकल गए हैं और 6:30 को शायद हम पहुँच जाएंगे। आज देखो काफ़ी ज़्यादा बादल भी है, बारिश हो गया तो पता नहीं बच्चे के साथ क्या करेंगे हम लोग। तो सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इधर शाम ढल रही है। अब देखो 1.5 किलोमीटर 22 मिनट सिखा रहा है, और भी ज़्यादा टाइम लगा था जब हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि ना ट्रंकबैंड रोड पे ये देखो चार दोनों साइड पे विसर्जन जा रहा था और बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया था, एकदम गाड़ियाँ चल ही नहीं रही थी। और मुझे ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बारिश स्टार्ट हो गया पर लकीली फ्रेंड्स आते आते बारिश रुक भी गया। अगर आप खैरादाबाद की गणेश देखने आ रहे हो ना, तो आप गाड़ी को प्रसाद मॉल की जो पास में बड़ा सा ग्राउंड है उसमें लगा सकते हो, इसमें हमेशा पार्किंग रहता है। ये देखिए गणपति बप्पा मोरिया, ऐसे बोल बोल के हम लोग जा रहे थे। भीड़ तो था पर एडजस्ट होगा क्योंकि ग्लॉको जो है ना वो कैरियर में थी। गणपति ये जो बप्पा है ना ये बहुत शुभ माना जाते हैं। गणेश महाराज की जय पापा, आप सबका मनोकामना पूरी करना हमारे साथ भी। हमारे सारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, सबका मनोकामना पूरी करना। आप लोग कुछ मांग लो भगवान से जल्दी जल्दी, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम लोग आए थे स्पाइस 6 बोल के एक अरेबियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने, डिनर करने, और काफ़ी लेट हो गया था। अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा है। ये था उन लोगों का वेटिंग रूम, अभी देखो बुला रहे, चलो चल के देखते हैं अंदर कैसा क्या है। और हमेशा ना ग्लॉको का चप्पल खो जाता है क्योंकि ग्लॉको खुद से खोल देती है। अंदर का डेकोरेशन देखो, वाह, ऐसा लग रहा है हम लोग कोई बीए बारी बोलते हैं ना, फंक्शन हॉल, शादी के घर में आए हैं। इधर पर चेयर भी तो बहुत सुंदर था, ऐसे जैसे शादी में होता है। ये आइटम का प्राइस देख रहे हो आप, देख रहे हो 16,000। मैंने इतनी महंगी आइटम कब का ही नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो बच्चों के लिए ना ऑर्डर किया था बिरयानी, एकदम लाइट वाला, लो स्पाइस वाला। तो कभी भी बिरयानी या कुछ भी बाहर का ग्लॉक खाती है तो पहले मैं ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद उसको देती हूँ। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था तो इसीलिए सोचा ठीक है दे सकते हैं, और ग्लॉक तो चिकन का फ़ैन है ही, आपको पता है। इधर पे हमने बिरयानी बच्चों लोगों के लिए लिया था, और हाँ हमारे लिए 2 स्टार्टर लिया था। अरे मैं भूल गई, क्या भूल गई पता है, उसका बी गाड़ी में रह गया, उसका जो डायपर बैग है ना उसमें, देखो कितना बड़ा चिकन घुसा लिया। अरे निकाल मुँह से, मुझे बहुत डर लगता है, पर मम्मी और अनिमा बोलते हैं कि उसको खाने दो ना, अगर चिकन का कुछ हड्डी वड्डी आएगा तो निकाल के फेंक देगी, वो फेंक देती है, पर स्टिल मुझे डर लगता है। देखो कितना बड़ा सा चिकन का साइज़ है। ये खाने में तो टेस्टी था और ये जूस बहुत टेस्टी था, पर क्या है ना कि एक खाने के बाद ये चिकन मेरा मुँह ऐसा हो रहा था कि कौन नहीं चिकन खाना है मुझे, पर टेस्टी था ये। तो ये 2 हमने कबाब ऑर्डर किया था, और वेज में भी पनीर था, फिर पीटा ब्रेड था, बाबा गनोश था, और शायद कुछ था कॉर्न का कुछ था। तो
हम लोग नॉन वेज ही खा रहे थे क्योंकि तो चिकन खा के पूरा पेट भर गया था सही में। एटर की नाम छिलो ना जूजे कबाब ना तर आगे जेटा छिलो अल्फा हम चिकन अल्फा हम एटर जूजे कबाब यस सॉफ्ट है एक हाथ से बहुत ही मुश्किल है मुझे हम धरबो ओके ना ठीक है एक काउके ना काउके तक है की होय छे और ये क्या है ये तो बहुत ही अच्छा ये मैं मिस नहीं करूंगी। मैं स्वीट कितना भी मिस कर लूँ पर मुझे ना ये चीज़ कुनावा इतना अच्छा लगता है क्या हो बताऊँ आपको। तो हो गया खाना पीना अभी हम लोग आ रहे हैं घर। कभी भी हम घर रिटर्न करते हैं ना तो हमेशा लगता है हमें तो उस तरफ जाना था फिर याद आता है नहीं हमारा तो अभी चेंज हो गया है अभी तो हम उस तरफ नहीं रहते हैं। ये बहुत मानना मुश्किल होता है कि घर चेंज हो गया है पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। इस घर में अभी धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। जब सोफ़ा डाइनिंग टेबल ये सब आ जाएगा ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा शायद घर लगेगा। अभी भी हम लोग तो सेट नहीं हो पाए हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है 2-3 महीने लग जाते हैं स्पेशली अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो चलो फिर मिलेंगे। बाय टेक केयर गुड नाइट। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करो और सबको अच्छे से स्वस्थ रखो। बाय गुड नाइट।